ऑनरेबल सीएम आए थे, उन्होंने उस बच्चे को देखा, उससे बातचीत करी, उसके बारे में सारी, उसके बारे में उसकी सारी जो मेडिकल कंडीशन है वो सारा उसका पूछा, उसके बारे में उनको हमने सारा समझाया कि क्या क्या इलाज हुआ है और आगे हम क्या करने जा रहे हैं। तो बच्चा स्टेबल है, ऑक्सीजन मेंटेन कर रहा है, सैचुरेशन ठीक है, उसकी एक बुलेट एक है जिसको अभी हमें निकालना है, अगले 4-6 घंटे में हम उसका ऑपरेशन करके उस बुलेट को निकाल देंगे। एक गोली लगी है उसके? एक गोली लगी। अच्छा, जो घायल पुलिसकर्मी है उनको भी एक ये घुटने के पीछे की तरफ गोली लगी है, उसका भी बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है, दोनों मरीज बिल्कुल स्टेबल हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक पुलिसकर्मी को क्या डिस्चार्ज कर दिया गया है? जी जी, पीड़ित थे बच्ची को देख करके, उनको बच्चों से वैसे ही बहुत लगाव है, उन्होंने बच्ची को चॉकलेट भी दिया है और उनके इलाज का पूरा आश्वासन दिया है और किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने कहा है कि तुरंत सरकार को सूचना दी जाए, सरकार पीड़ित परिवार के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। हाँ जी, आरोपी की हालत कैसी है? आरोपी उसने गोली मारी है? आरोपी स्टेबल है, अभी स्टेबल है। अब ये कह पाना संभव नहीं है। हाँ, गोली अभी नहीं निकाली गई है, गोली निकाली जाएगी जल्दी उसकी। कल लखनऊ के कोर्ट परिसर में जो घटना हुई थी उसमें एक छोटी बच्ची 1.5 साल जिसकी उम्र है वो घायल हुई थी और उसमें एक कांस्टेबल भी जख्मी हुए थे जिनको यहाँ KGIMU में उपचार के लिए लाया गया, उनका उपचार चल रहा है। आज सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी उन दोनों का हालचाल यहाँ लिया गया है और KGIMU एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डॉक्टर्स के लिए उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि बेहतरीन जो मेडिकल फैसिलिटीज़ और चिकित्सीय सुविधा उन लोगों को उपलब्ध कराई जा सकती है वो कराना चाहिए। सिक्योरिटी लैब्स की भी बात हुई है कि कैसे गन के साथ एक लॉयर, वो एक जांच का विषय है जिसके लिए SIT का गठन किया गया है, वो अपनी रिपोर्ट 1 सप्ताह में देगी, उसके बाद आगे की कार्यवाही उसके अकॉर्डिंगली की जाएगी। कोर्ट की सुरक्षा को लेकर जो भी अभी तत्काल इंतजाम करने हैं वो किए जा रहे हैं और बार एसोसिएशन से भी बात की जा रही है, उनकी जो सुरक्षा की कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। डॉक्टर ने स्वास्थ्य को लेकर के बच्ची के या फिर सिपाही के और आरोपी के? बच्ची का स्वास्थ्य स्टेबल है और उपचार चल रहा है, ऑब्जर्वेशन में है, अभी जो ब्लीडिंग खत्म हो चुकी है, जो इंटरनल ब्लड था उसको निकाला जा चुका है और डिटेल्स यहाँ पर अभी उसके बारे में जानकारी जो दी गई है वो उसकी स्थिति स्टेबल है बट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब वो पुलिस ऐसा है तो उन्हें निर्देश दिए हैं और हम लोग उसको मतलब KGIMU के डॉक्टर साहब लोग उसको देख रहे हैं, हम लोग आगे पड़ताल कर रहे हैं, जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी आपको बताया जाएगा। शूटर से कितने आए थे, क्या करेंगे, क्या सर उनको देखिए, अभी SIT की जांच बस कल शुरू हुई, हम लोग घटनास्थल का निरीक्षण आगे हम लोग देखें। सर रिमांड लेने की बात, अगर आवश्यकता पड़ेगी विवेचक को तो निश्चित रूप से। क्या सर उससे पहली प्राथमिकता हमारी है कि जिन लोगों को चोटें लगी हैं उनका इलाज अच्छे से हो जाए, उसके पश्चात जो अन्य कार्रवाई है वो पूर्ण की जाएंगी और जब आगे कार्रवाई की जाती है लगातार आप लोग भी यही हैं, हम भी यही हैं, हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। देखिए शासन स्तर से टीम बनाई गई, एक स्पेशल जो इंक्वायरी जो की जा रही है SIT बनाई गई है, उस SIT द्वारा कल रात्रि से कार्य प्रारंभ कर दिया गया था सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने का, उनकी ADG श्री मोहित अग्रवाल जी के नेतृत्व में टीम कार्यरत है और शीघ्र ही वो भी अपनी रिपोर्ट में आती है आपको बताएंगे। अभी कोई कनेक्शन विजय यादव के अभी इसमें पड़ताल शुरू नहीं हुई है, मतलब उतना दूर तक नहीं पहुँच पाए हम। विजय यादव की स्थिति कैसी, हालत क्या? विजय हालत स्टेबल सर, जो पिस्तौल मिली।